Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं गुरुदेव, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं धीरू मौंचिक के वीडियो. अक्षय कुमार एंड आर्यन खान फैंस आर क्रेजी. आर्यन खान बेल्ड. ओके, तो आर्यन खान को बेल मिल गई है या नहीं मिली है पता नहीं क्या है, तो देखते हैं यार इस वीडियो में क्या है. भाई आर्यन खान पे मतलब उस पे तो भाई मीडिया उसी पे फोकस किए हुए है. ठीक है, शाहरुख खान का बेटा ना हो गया, वहां स्वर्ग से उतरा दूत हो गया. ठीक है कि उसी के पीछे लग गए हैं कि उसने गांजा फूंक लिया तो भाई सबने मतलब यहाँ पे वो खड़े कर दिए कि हाँ बैनर लेके खड़े हो गए सारे, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे वैसे. भाई तुम्हारा खुद का लड़का और तुम खुद पी रहे होते हो जब शराब सिगरेट, तब नहीं याद आता है कि हाँ क्या बोलते हैं देश बर्बाद हो रहा है, तब नहीं याद आता है. लेकिन लोगों को यहाँ पे जरूर बोलना है, कोई किसी भी सेलिब्रिटी का बेटा या बेटी या मतलब खुद सेलिब्रिटी अगर कुछ भी ऐसी हरकत कर रहा होगा कि सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है या शराब या सिगरेट का प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हो तो सब बोलेंगे कि हाँ देखो सिगरेट पीना सिखा रहा है. और वही ये बात तब बोलते हैं जब वो खुद मुंह में गुटखा भरे होते हैं. ठीक है, अरे देखो शराब पी के हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं. अबे गुटखा भर रखा मुंह में साले, ओरल कैंसर हो जाएगा तुम्हें. ठीक है, और ये भर के उसके बाद तुम ज्ञान बक रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो. ठीक है चलो यार इस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेंगे. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे. ये है आम जिंदगी. जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. क्या बात है डांस ये है मेंटोस जिंदगी. भाइयों फाइनली ये गाना सुन के अभी मेरे कानों को थोड़ा चैन पड़ा है, सीना आ गया रे नाच नाच के. डांसिंग हो रही बहुत भयंकर, शायद की साउथ इंडियन ने गाया है. मतलब ये लोग भाई कर ही रहा है अच्छा काम, बस साला बॉलीवुड वाले ही ड्रग्स और रीमेक पे पड़े हुए हैं. ड्रग्स से याद आया साला क्या बोलते हैं वो आर्यन भैया जो थे हमारे आ गए छुटके. लगातार 25 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं. जब हम रोजाना यहाँ पर आते हैं और आपको देखते हैं कि हाथ में एक पोस्टर लेकर आप आते हैं, आप बताइए कि कितनी खुशी है और लगातार आप 25 दिन से यहाँ आ रहे हैं. जिंदगी में जितनी विश थी जो भी खुशी था सब आज ही मिल गया मुझे. 8वीं क्लास का बच्चा पहली बार पॉर्न देखने के बाद बोलता है जिंदगी में जितनी विश थी जो भी खुशी था सब आज ही मिल गया. कितने दिन की जिंदगी हुई है भाई तेरी अभी तक? हाँ 5 दिन 6 दिन है. कितने साल का तू? 15 16 9 में होगा. जाके बोर्ड्स की तैयारी करते साले, 25 दिन से यहाँ खड़ा है किताब पढ़ लेता. बात तो सही है. क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, बहुत खुशी हो रही है. और क्या सर, शाहरुख खान के बेटे छूट गए बस. अरे चोमू सामने खड़ा इंसान में न्यूज रिपोर्टर है साले, उसे तुझसे पहले पता चल गया होगा कि शाहरुख खान का बेटा छूट गया. कुछ अलग है और बता. भाई सच्ची बताओ तेरे कुछ नहीं पड़ा, सालों को देख के लग रहा है सबके सब छपरी है. इन्हें बस इतना पता है कि अगर रोज मन्नत के आगे जाके खड़े होंगे तो टीवी में तो जरूर आ जाएंगे एक दिन और आगे. लेकिन साले ऐसी मीडिया कवरेज से भी क्या फायदा है, इससे बड़े तो छपरी खानों में रील्स बना लेते हैं, एक आध वायरल हो जाती साले. सुबह शाम है भाई आर्यन खान को बेल मिली है. शाहरुख खान का गाना क्यों बोल रहे की मां अबे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, मतलब फैन भाई तुम्हारा अपना मन है, तुम्हें जिसका फैन बनना उसका फैन बनो, लेकिन भाई अपना भी तो ख्याल रखो. 25 दिन रोज क्यों आ रहे हो? तुम्हारे वहाँ के खड़े होने से थोड़ी ना आर्यन को बेल मिल जाएगी. अरे मास्क लगाओ, मास्क लगा लो भाई. ऐसे कैसे मास्क लगाओ? हाँ फोटो भी तो आना चाहिए साला, पता भी तो लगना चाहिए की भाई काजू भाई खड़े है इधर. बड़ा सा फ्लेक्सी छपवा के लाए क्यों? कि अपना मुंह भी पता ना लगे. अब ऐसे कैसे, ये तो फोटो ले रहे हैं, मुंह दिखाएगा मैं बिना मास्क के? कुछ मालूम भाई बर्थडे मनाने आए हैं बड़ी चोट देख रहा हूं तुम. ए ए ए वो रंग दे तुम है गेरुआ. क्या बात है, बंद हो गया स्प्रे कर, मत कर मत कर मत कर, बहुत बेहुदा लग रहा था. शाहरुख खान और शाहरुख खान का पोज भी नहीं चाहता भाई कि तू ऐसा करे. साला बैग लेके घूम रहा है बे, तू ट्यूशन का बंक मार के इधर आ रहा है? इज्जत से घर जाके पढ़ाई कर बेटे, पढ़ ले पढ़ ले. पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. सही बात. दिवाली मनाई जा रही है साला. दिवाली से याद आया भाइयों, तुमने एक बात गौर की? आर्यन साला दिवाली की सफाई से पहले तो चलता बना और अभी सफाई वफाई होगी. दिवाली का टाइम आ गया तो आ गया है. ये आर्यन का प्लान भी हो सकता है समझे? चूतिया बनाया तुमको. एक बात बताया, ये फटाका फोड़ने की बात नहीं होगी. आपको डर नहीं लग रहा है कि पुलिस भी पकड़ सकती है आपको?
आए थे और निकलने लग रहा है जैसी मैं जो पुलिस की बात आई। मैं तो डर गई, पुलिस चलेगी कह रहा है अभी तो आर्यन को पकड़ के लेके गई है, उसको तो छुड़ाने वाले उसके पिताजी हैं, मुझे पुलिस पकड़ के लेगी तो कौन छुटाएगा। छुड़ा के भी ले आया तो मम्मी पापा साला गांड पे पटाके फोड़ के वेल डन इसे कट लेना पहले। भाई इतने सारे वकीलों ने मिलकर इसे छुड़ाया है, सबके चेहरे में खुशी है, बोले तो क्यों बाकी दोस्तों। अक्षय भैया तुम्हें याद है, तेरा मेरी मैं पोज होता हूँ उनका एक फेवरेट नहीं बोले तो आइकॉनिक ऐसे वाला राजू भाई जो हमारे खड़े होते एकदम फुल स्वैग में लक्ष्मी चिट फंड में अपना पैसा कमाने के बाद ईमानदार अभी वही सेम पोज में अक्षय भाई ने फिर से फोटो डाला है। वेल डन, अरे वाह, होनी चाहिए यार। राजू भाई रियल आईडी से आओ, एकदम नए नए कपड़े पहन के आयो। लक्ष्मी चिटफंड से पैसा डबल हो गया क्या? अनुराधा लौट आई क्या भैया? पैसा दे दिया? कितना दिया? डबल दिया के नहीं दिया? बाकी अक्की भैया तुमने जो फोटो खिंचाया, खींचा तो अच्छा है, लेकिन तुमने फोटोग्राफर गलत चूज किया, वो उस वाले से खिंचा था ना जिसने तुम्हारी मुंडिया ने पकड़ तुम्हारा फोटो खींचा था आगे से। देखा नहीं तुमने भाई वाला वीडियो? रुको मैं दिखाता हूँ। मस्त भाई, अक्की भाई हमारे पीस खुली जा रहे हैं, लोगों ने तुमसे हाथ मिलाते हुए इतने में अच्छा एक लेजेंड आता और उनकी मुंडी उठाया था फोटो खींचने के लिए, QR कोड स्कैन कर रहा था मुंह पे। छोले भटूरे खाए उसने भी, और हाँ भाई कितने रुपए हुए? ओके ले कर दिया। अक्षय भाई यार तुम बेकार ही यार, उसको डांट दिया यार, वो तुम्हारे बाल खराब हो गए थे, बाल ठीक कर रहा था समझे। ये अक्षय सर का मोबाइल चुरा के फेस लॉक खोल रहा था, ऐसा भी तो हो सकता भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये साला अक्षय भैया ने खुद नहीं सोचा होगा बे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, अरे मैं लड़की चले गए। और भाइयों जुकरबर्ग भैया के अंदर ना योगी जी की आत्मा समा गई है, फेसबुक का नाम बदलने चल दिया बे। अचानक से एक दिन सुबह उठ के बोलता कि भाई फेसबुक नहीं यार, आज से मेटा बोलेंगे इसे। मेरा ऐप तेरा डेटा जुकरबर्ग भैया, वो तो पता ही है डेटा तो सब आप ही का है, आप ही करता धरता है सारे डेटा के, लेकिन नाम बदलने की क्या जरूरत थी? फेसबुक का नाम बदल रहा है हाँ, मेटा, मेटा का मतलब मेरा ऐप तेरा डेटा। बोला ना जुकरबर्ग भैया नोज एवरीथिंग जस्ट टू आर्यन, आर्यन साहब अब तो नहीं लोगे ड्रग्स, आर्यन क्या मीन दिया है फोटो देख के साला, मैं रोते भी हंस दूंगा। भाइयों घर के आगे एक स्कूटी आगे खड़ी हुई है, शायद बच्चा अंदर जा रहा होगा, उसका घर होगा लेट वेट हो गया होगा घर जाने में, ऐसा ही अबे गेट चुरा के भाग गया है बे। हो गया है दोस्तों दो पैक का इंतजाम, शायद इनने भाई सट्टा वट्टा लगा दिया होगा इंडिया के वर्ल्ड कप में, और फिर तुम्हें पता ही है सैड लाइफ ब्रो। और भाई जब गेट खुल गया तो यार अंदर जा सकता है वो पूरा का पूरा, लेकिन नहीं अंदर जाना ही नहीं और कुछ मांगता ही नहीं है, लोहा मिल गया वही बहुत है, कल को ऐसा बंगार में बेच के उसके बाद पैसा जी ने लोहे का नाम सोना रख दिया तो कुछ भी। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले। हेलो केक काटे जा रहे, पार्टी हो रही बहुत भयंकर। क्या चूतिया इंसान है भाई जिनने केक उठा के फेंका, साले ऐसे पकड़ के उठाने से कैसे तू केक उठा के उसके मुंह पे मार सकता है? देयर इज नो लॉजिक एट ऑल गाइस, जस्ट लाइक माय वीडियोस। Roasted myself. I don't want peace. I want problems. Always. बाकी दोस्तों गलत बात, वेस्ट वेस्ट मत करो यार, नहीं करना चाहिए ऐसा, बर्थडे वर्थडे पे केक वगैरह बहुत वेस्ट करते हैं लोग, ये अच्छा भी नहीं लगता। चार भी तुम्हें लेने हैं तो भाई खा लो फिर, गरीब लोग को बांट दो इज्जत से। भाइयों यहाँ पे एक साइकिल एक बाइक आकर रुकी और ऋषि के बीच तुझे कहा जा रही है तू? पहली बात तो ये साइकिल वाला बीच में लाके मतलब रोक दिया एकदम, रास्ता बना के रोक दिया पीछे से, वो स्कूटी लाई। हाँ यहाँ पे तो बोलेंगे डांस लिटिल प्रिंस, लिटिल
डिफरेंस इसको लगा, मैं तो इतनी लिटिल हूँ, मैं तो यहाँ से भी निकल जाऊंगी। शू, 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 शू। लिटिल प्रिंसेस के डैड का फर्ज बनता है उन्हें स्कूटी देने से पहले अच्छे से सिखा दे उन्हें। वाह बेटी वाह, मौज कर दी, तुम तो बड़ी हैवी ड्राइवर निकली भाई। तो ये चलो ठीक है बेटा, मैं जरी खत्म करता करूं, तुम्हें वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर देना ठीक है, एंगेजमेंट थोड़ा ज्यादा आएगा। से ही प्यार बस मैंने किया ना यकीन, तो देख ले तो चीर के सीना, कहीं तुम मुझसे दूर होके यू खफा, रोता दिल ढूंढे अब तुझे हर जगह, तेरे हिस्से के गुलाब सूख गए हैं, तरस के आधे तेरी ही सताए, जब है बादल ये बरसते बूंदे पड़ती मिट्टी पे, उसमें भी मैं तेरे हुस्न का ही रंग ढूंढू, जिस्म के सब यहाँ खेल खेल मैं आज भी गैर से आंखें मूंदो। ओके गाइस, यार ये वीडियो यहाँ पे खत्म। वाह ठीक है, तो चलो ये वीडियो तो मतलब खत्म, लेकिन बातें हमारी खत्म नहीं हुई हैं ठीक है। अभी लास्ट में जो क्लिप देखी हमने, जो मीम्स, पहली बात तो किसी ने उस साइकिल वाले को तो बोला ही नहीं, वो अचानक जा आ रहा है फिर लाके रोक दिया। अभी पीछे से जो भी गाड़ी आ रही होगी, चाहे वो बाइक हो कोई लड़का चला रहा हो, चाहे वो स्कूटी हो कोई लड़की चला रही हो, चाहे वो कार वाला ही क्यों ना हो ठीक है, लाके ठुकेगा ही ठीक है, क्योंकि अचानक से अगर लाके रोक दोगे तुम कोई सी भी व्हीकल हो ठीक है, तो पीछे जो आ रहे होंगे वो तो मतलब अपनी स्पीड से आ रहे होंगे ना, तो वो उन्हें कैसा एकदम से हिंट मिलेगा कि हाँ तुम रोकने वाले हो। बाइक से हो तो इंडिकेटर दे दो कि हाँ भैया हम मुड़ने वाले हैं या रोकने वाले हैं या कुछ भी यहाँ पे करने वाले हैं ठीक है। ऐसे एक्सीडेंट पता है रोड पे भी बहुत ज्यादा होते हैं इस टाइप से, जो अचानक जाके रोक देते हैं बिना इंडिकेटर दिए, या मतलब अपने इंडिया में तो यार जुगाड़ भी बहुत सारे हैं, हाथ दे दो कि हाँ भैया यहाँ रुकना है, यहाँ रुक मतलब यार मुड़ना है ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, ये हाईवे पे इस टाइप के एक्सीडेंट बोर्ड होते हैं कि बाइक जो होती है वो ले जाके बीच सड़क पे रोक देते हैं, और लोग जो पीछे आ रहे होते हैं फिर वो तो भैया भिड़ेंगे ही ना। तो यहाँ पे बस कमेंट करना है डैड्स लिटिल प्रिंसेस, डैड्स लिटिल प्रिंसेस को तो सबने देख लिया, लेकिन वो जो माता का मगरमच्छ था उसे किसी ने नहीं देखा जिसने बीच में साइकिल रोक दी ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वीडियो काफी ठीक ठाक थी, अच्छी थी है ना। और जो आर्यन खान को बेल मिली है भाई, बेल मिली है आर्यन खान को ठीक है, नारे लग रहे हैं शाहरुख खान के नाम पे, चल क्या रहा है भाई। और पहली बात तो शाहरुख खान के नाम से ही उनका बेटा अभी तक चल रहा था, अभी पता नहीं उनके नाम से ही मूवी भी उनकी मिलेंगी या नहीं आर्यन खान को, देखते हैं उनके आगे करियर में क्या होता है ठीक है। तो हम लोग वीडियो देखते रहेंगे और उन पर रिएक्शन करते रहेंगे, और आप यार सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है अभी तक, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अगर पसंद आए हों मेरे रिएक्शंस। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।